अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही बाकी पूरा लेसन निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट थ्रू द कंडक्टर, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है I, और कंडक्टर के सिरों का, कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का A, लेंथ है कंडक्टर की L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और कंडक्टर के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज V, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम, करंट, करंट फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब कंडक्टर में करंट चल रही है तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n, मतलब अगर आप वन यूनिट वॉल्यूम ले लें, ये कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ कंडक्टर है, आपने कॉपर का एक ब्लॉक ले लिया, एक ब्लॉक आपने कॉपर के ले लिया, कैसा ब्लॉक जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, थिकनेस भी 1 मीटर, इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है ये n, कंडक्टर के मटेरियल के 1 क्यूबिक मीटर में, 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कितना है, कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है L, तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, अच्छा इससे पहले एक और बात लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन बता सकता है कितने होंगे, एक मिनट, नहीं मैं जिससे पूछूं वही बताए, जब मैं सेंट थॉमस स्कूल में था 5th क्लास में, आज तक भी याद है, मेरी टीचर थी, टीचर थी, क्या नाम था उनका, उनका नाम था मिस वॉशिंगटन, मिस वॉशिंगटन, और उन्होंने हमें उस टाइम सिखाया था यूनिटरी मेथड, हिंदी मीडियम था तो एक एक नियम बोलते थे उसे, एक एक नियम, एक दर्जन के लिए 40 रुपए के, 12 केले 40 रुपए के, तो 20 केले कितने के आएंगे, सिंपल सी बात है। जब पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, वन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ए,
आपको 50 यूनिट 50 वॉल्यूम में निकालना है, आपके पास वॉल्यूम 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम 1000 है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम है एल एल से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन और आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है ए एल, तो ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने यूनिट वॉल्यूम में है उसे आप अपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने का एक केला पड़ता है उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 केले के आ जाएंगे रेट। पता नहीं क्या करते हैं। ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, आपके इस कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल, एन ए एल हो गए। उसके बाद चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ई है तो टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ई एन ए एल, ये आपका चार्ज हो गया क्यू। अब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे फाइंड करोगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे फाइंड करोगे। हाँ रिजवान साहब कितना टाइम लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सिरे पर है और दूसरे सिरे तक पहुँचने में इसे कितना टाइम लगेगा, एल अपॉन वी डी, सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है एल और कितनी स्पीड से आगे खिसक रहा है, वी डी स्पीड से आगे खिसक रहा है, तो टाइम टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, कितना टाइम लगा आपका एल बाय वी डी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसके बाद आपके पास पता है करंट कितना होता है, क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, चार्ज कितने टाइम में हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में चार्ज कितना फ्लो हुआ, ई एन ए एल, और टाइम कितना लगा, एल बाय वी डी, एल से एल कैंसिल हो गया, वी डी ऊपर चला गया, तो अब आपके पास क्या बचता, एल इज इक्वल टू एन ई ए वी डी एम्पियर। ये आपके पास रिलेशन आ गया किसका, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10-20 बार आ चुका है, इतना छोटा सा, इतना बेकार सा, इतना घटिया सा, इतना सस्ता सा फॉर्मूला एग्जाम में 10 बार आ गया। कीजिए